इस डमी के ऊपर से मैं मेकअप कैसे रिमूव करती हूँ मैं आपको वो दिखाती हूँ। सबसे पहले तो आई लैशेज को रिमूव कर लेंगे। नीचे वाली आई लैशेज जो है वो मैंने खुद ही ड्रॉ की हुई है, इसी वजह से वो रिमूव करनी पड़ेंगी। आप कोई भी ऐसा मॉइस्चराइजर, वाटर या फिर मेकअप रिमूवर यूज कर सकते हैं। पेपर टॉवल पे मैंने ले लिया है मेकअप रिमूवर। अभी बिल्कुल आराम से हल्का हल्का सा रब करके इसको मैं रिमूव करूंगी। आप चाहें तो आप इसको वॉश भी कर सकते हैं, या अगर आपके पास कोई ऑयल वगैरह है आप उसके साथ भी इसको रिमूव कर सकते हैं। आप बेबी ऑयल यूज़ कर लें, कोकोनट ऑयल यूज़ कर लें, पैराशूट ऑयल यूज़ कर लें, जो भी ऑयल आपके पास अवेलेबल है, या फिर जो मेकअप रिमूवर ऑयल होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मेरी डमी की आईब्रोज नीट होती हैं तो फिर मैं उसको रिमूव नहीं करती हूँ। मैं सेकेंड मेकअप के लिए भी सेम आईब्रोज यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन अगर आईब्रोज ख़राब हो जाती हैं तो फिर मैं उनको रिमूव करके न्यू आईब्रो ड्रॉ कर लेती हूँ, क्योंकि इस डमी के ऊपर ये जो आईब्रोज हैं ये साथ में नहीं आती हैं, ये आपको ड्रॉ करनी पड़ती हैं। इस तरह से बहुत ही इजीली इस प्रैक्टिस बोर्ड को जो है वो क्लीन किया जा सकता है। उसके बाद आप क्यू टिप लेकर या बिल्कुल छोटे वाला कोई ब्रश लेकर ये आंखों का जो अंदर वाला एरिया है इसको भी क्लीन कर सकते हैं, ताकि आप जब वापस मेकअप करें तो ये बहुत ही शार्प आंखें नजर आएं और आपका मेकअप भी अच्छा लगे।